ये बात साल 1995 की है। एक न्यूज चैनल की अदालत में एक नेता कटघरे में है। नेता जिसने पिछले 30 सालों में अपने उसूलों के बल पर खुद को वहां पहुंचाया है जहां से देश का कोई भी पद, कोई भी सत्ता छोटी दिखाई पड़ती है। नेता से सवाल पूछा जाता है, क्या अयोध्या में गिराए गए बाबरी ढांचे में आपकी पार्टी के लोगों का हाथ है? नेताजी कहते हैं, बिल्कुल हमारे लोग वहां थे। भगवान राम को उस प्रतीक की मुक्ति, ये तो हमारे लिए गौरव की बात है। ये नेता थे स्वर्गीय बाला साहेब ठाकरे और ये पार्टी थी शिवसेना। आज फिर से कुछ ऐसा हुआ कि शिवसेना का नाम राम मंदिर से जोड़ा जा रहा है। जो शिवसेना कभी राम मंदिर की मुक्ति के लिए गौरवान्वित होती थी, आज उसी शिवसेना पर एक राम मंदिर को अवैध रूप से तोड़ने के आरोप लगाए जा रहे हैं। हालांकि इस बार किरदार भी बदल चुके हैं और कहानी भी। इस बार किरदार में है बाला साहेब ठाकरे के सुपुत्र और वर्तमान मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, और दूसरी तरफ हैं बॉलीवुड एक्टर कंगना रनौत, और नेपथ्य में हैं सुशांत मर्डर मिस्ट्री, रिया चक्रवर्ती, दो राज्यों की पुलिस की आपसी भिड़ंत, तीन केंद्रीय एजेंसियां और बॉलीवुड माफिया। नमस्कार, आज की बड़ी खबर में आपका स्वागत है। आज BMC यानी मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने महाराष्ट्र सरकार के आदेश पर कंगना रनौत के पाली हिल स्थित ऑफिस के निर्माण को अवैध घोषित कर उस पर JCB चला दी। कल कंगना ने ट्वीट कर बताया था कि BMC के अधिकारियों ने उनके ऑफिस में घुस वहां तोड़फोड़ की कोशिश की और बाद में दफ्तर के बाहर नोटिस चस्पा करके चले गए जिस पर लीकेज की समस्या लिखी थी। हालांकि आज महाराष्ट्र की महाविकास अघाड़ी सरकार ने कंगना के 48 करोड़ की कीमत से बने दफ्तर में तोड़फोड़ की है। उद्धव ठाकरे, तुझे क्या लगता है कि तूने फिल्म माफिया के साथ मिलके मेरा घर तोड़ के मुझसे बहुत बड़ा बदला लिया है? आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। ये वक्त का पहिया है, याद रखना, हमेशा एक जैसा नहीं रहता। और मुझे लगता है कि तुमने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है, क्योंकि मुझे पता तो था कि कश्मीरी पंडितों पे क्या बीती होगी। आज मैंने महसूस किया है और आज मैं इस देश को वचन देती हूँ कि मैं सिर्फ अयोध्या पे ही नहीं, कश्मीर पे भी एक फिल्म बनाऊंगी और अपने देशवासियों को जगाऊंगी, क्योंकि मुझे पता था हमारे साथ होगा तो होगा, लेकिन मेरे साथ हुआ है, इसका कोई मतलब है, इसके कोई मायने हैं। और उद्धव ठाकरे, ये जो क्रूरता और ये जो आतंक है, अच्छा हुआ ये मेरे साथ हुआ, क्योंकि इसके कुछ मायने हैं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। जिस पर संज्ञान लेते हुए हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है। इसके बाद कंगना का आरोप है कि पूरा मामला पॉलिटिकली मोटिवेटेड है और कभी हिंदुत्व की राजनीति करने वाली शिवसेना ने कंगना के दफ्तर रूपी राम मंदिर को खंडित कर दिया है। जिस पर कंगना ने ट्वीट कर शिवसेना की तुलना बाबर से भी की है, जिसकी देश भर में निंदा हो रही है, और सोशल मीडिया पर चारों तरफ शिवसेना, NCP और कांग्रेस की भारी किरकिरी भी हो रही है। कई पत्रकारों ने इसे अभिव्यक्ति की आज़ादी को कुचलने वाला बताया, जबकि कुछ ने कहा कि एक अदाकारा के बेबाक रवैये ने शिवसेना की जमीन हिला दी है। हालांकि इस पूरे मामले में बॉलीवुड के एक्टर्स के बीच एक अजीब सी शांति छाई है, हो सकता है ये उनके एजेंडे में ना आता हो। खैर, आखिर क्या वो वजह हैं जिनमें एक सरकार किसी एक व्यक्ति के दमन पर उतर आई है? क्या यही वो वजह हैं जिसने शिवसेना की राजनीति को हिला कर रख दिया है? दरअसल ये विवाद 2 दिन, 10 दिन या महीने भर पुराना नहीं। इसकी साफ शुरुआत तभी हो गई थी जब 14 जून की दोपहर सुशांत की मृत्यु की खबर आम हुई थी। सुशांत की मौत के मामले में शिवसेना सरकार और उसके द्वारा शासित मुंबई पुलिस कोई खास प्रोग्रेस नहीं चाहती थी। उसी दौरान कंगना ने मुंबई पुलिस को आड़े हाथों लेते हुए बॉलीवुड माफिया वर्ड का यूज़ कर नेपोटिज्म पर हमला बोल दिया। इस दौरान चल रही महाराष्ट्र पुलिस की तहकीकात भी संदिग्ध रही। फिर महाराष्ट्र बिहार पुलिस का विवाद शुरू हुआ और फिर केंद्रीय एजेंसी ED, CBI, NCB की एंट्री हुई। इस पूरे मामले के दौरान कंगना अपने पुराने तजुर्बे के आधार पर बॉलीवुड पर अंदर चल रहे ड्रग्स, दाऊद, ब्लैक मनी गैंग की बात लगातार करती रही। देशभर से कंगना को भारी समर्थन भी मिलता रहा। इसी दौरान कंगना ने मुंबई पुलिस के संदिग्ध रवैये के कारण मुंबई की तुलना POK से की, जिस पर शिवसेना ने उन्हें मुंबई ना आने की धमकी दी, और फिर शिवसेना नेता संजय राउत का कंगना को हरामखोर कहना, कंगना को केंद्र से
वाई कैटेगरी की सिक्योरिटी मिलना और आज कंगना का मुंबई में कदम रखते ही उनका ऑफिस टूटना लगभग सबको पता है। पर आज और पिछले कुछ दिन से चल रहे इस प्रकरण से बॉलीवुड और स्वघोषित लिबरल समूह की चुप्पी गंभीर चिंता का विषय है। दरअसल ये वही समूह है जो एनसीबी के सामने अपना जुर्म कबूल कर चुकी रिया चक्रवर्ती को बेकसूर बता उसे अपना पूरा समर्थन देता है, लेकिन सरकार के मनमाने रवैये का सामना कर रही कंगना के मामले में हाइबरनेशन मोड में चला जाता है। आज जो लोग रिया के लिए आंसू बहा रहे हैं और कंगना के लिए हंस रहे हैं, दरअसल उनके लिए न्याय तो कभी मुद्दा था ही नहीं। मुद्दा है तो अपना एजेंडा जो एक ड्रग्स रखने और सेवन करने की अपराधी को पेट्रियार्की यानी पितृसत्तावाद का विक्टिम बताता है, जिसके लिए कंगना डेमोक्रेसी की दुश्मन है और रिया मीडिया डेमोक्रेसी की विक्टिम। हालांकि इस पूरे विवाद में कंगना ने कुछ नहीं खोया है। जितना टूटा, अगर वो बनाना गलत था तो उसे तोड़ा जाना ही चाहिए, और वो कंस्ट्रक्शन लीगल है तो कोर्ट इसका हर्जाना दिला कर रहेगा। पर इस मसले में सबसे बड़ा नुकसान शिवसेना का हुआ। बाला साहेब ठाकरे की शिवसेना, जिसने अपनी राजनीति हिंदुत्व के आदर्शों के साथ शुरू की थी, आज वो पहले से ही कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाने पर अपने कोर वोटर यानी हिंदू समाज की नाराजगी झेल रही है। और उसके बाद पालघर में संतों की निर्मम हत्या और इस मामले में ढीलम ढाली ने इस प्रक्रिया को और तीव्र कर दिया है, जिससे संत समाज में भी एक खासा रोष है। और अब कंगना रनावत मामले ने शिवसेना की राजनीति को हाशिए पर पहुंचा दिया।